कैसे आप लोग गणितीय क्लासेज मैं और आगे जारी रखता हूँ। आज हम लोग कुछ गणित की प्रमुख शब्दावलियाँ पढ़ लेंगे, वही शब्दावलियाँ जो अभी आगे हम लोग पढ़े थे उसमें से कुछ चीजें जो छूट गई थी आज हम लोग पढ़ लेते हैं, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग इसके पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी को पढ़ लिया और इन सभी से मैंने कुछ प्रश्न भी दे दिया। और जैसे ही अध्याय खत्म होगा ऐसे मैं तुरंत सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा, सभी टॉपिक से एक दो प्रश्न उठाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे और उसकी वर्कशीट मैं आपको दूंगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है, एक होता है स अभाज्य, एक होता है जुड़ा अभाज्य। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले स अभाज्य, स अभाज्य। तो आप बताइएगा स अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, स अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मस सदैव एक होता है उन्हें हम स अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मस सदैव एक होता है उन्हें हम स अभाज्य कहते हैं। जैसे पांच, ये क्या है, इनका मस सदैव एक आएगा। 11, 12, 9, 10, 17, 18 ये सब क्या है, जिन दो संख्याओं का मस सदैव एक आता है उन संख्याओं को हम स अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? स अभाज्य संख्या कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य हम लोग पढ़ेंगे। जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं? जब किसी भी दो अभाज्य संख्याओं के बीच में दो का अंतर होता है ऐसी संख्याओं को हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 और 5, ये क्या है, जुड़वा अभाज्य। क्या है? जुड़वा अभाज्य है। 11, 13, 11, 13, 5, 7, 17, 19, क्या क्या लिखा मैंने, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इन सभी अभाज्य संख्याओं में दो दो का अंतर है, दो दो का डिफरेंस है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य कहते हैं। इसी प्रकार कितनी और अन्य संख्याएं होती हैं जिन्हें हम जुड़वा अभाज्य कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आप सभी को मेरा और प्रश्न है, इसके अलावा और कौन कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगली टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ते हैं निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान को अंग्रेजी में एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, मतलब कि इसका जो चिन्ह होता है देख लीजिए इस तरह से होता है, यहाँ पे जैसे दे दिया -5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका, इसका जो निरपेक्ष मान होगा वो कितना होगा, 5। अब दे दिया 7, क्या होगा, 7। अब दे दिया 1/3/5 ऋण, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में इसका मान हो जाएगा 1/3/5। अर्थात हमें कह सकते हैं किसी भी संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वह सदैव धनात्मक होता है। अगर धनात्मक है तो धनात्मक प्राप्त होगा, किंतु यदि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इसके अंदर ऋणात्मक है तो भी उसका मान सदैव धनात्मक ही प्राप्त होगा। याद रखिएगा कोई भी संख्या हो, जैसे दे दिया -18, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू केवल 18, केवल 18 होगा। और अगर दे दिया 18 दिया ही है तो भी क्या होगा, 18 ही होगा। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है सदैव पॉजिटिव, सदैव धनात्मक होता है। निरपेक्ष मान जो होता है वह सदैव धनात्मक होता है, सदैव हर कंडीशन में क्या होगा, धनात्मक होगा। याद रखिएगा यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैंने एक टॉपिक को ही ले लिया। अब आगे देखते हैं, इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका रामानुजन संख्या। क्या आता है, रामानुजन संख्या। जब किन्हीं दो संख्याओं का घन, जब किन्हीं दो संख्याओं का जो घन होता है वह कितना हो, 1729 होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रामानुजन संख्याएं कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं होती हैं, पहला देखिएगा ये हो गया 12³ + 1³, फिर एक दूसरा 10³ + 9³,
जब किन्हीं दो संख्याओं के घनों का योग 1729 होता है तो ऐसी संख्याओं को रामानुज संख्या कहते हैं। तो यह मैंने आपके लिए जो बताया ये महत्वपूर्ण थे, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। रामानुज संख्या जो होती है वो दो होती है, आप लोग जानते रहिएगा कौन कौन सी, मैंने डायग्राम द्वारा समझा दिया। तो आप सभी साथी को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसी प्रक्रम में लगातार हम लोग गणित के रोज दो दो तीन टॉपिक पढ़ते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि एक महीने के अंदर सारे टॉपिक को खत्म कर लेने का। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं। आप सभी लोग अधिक जानकारी के लिए या किसी अन्य चीज के लिए टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए और उसे ज्वाइन हो जाइएगा। और जैसे ज्वाइन होंगे इलेनी भी दुर्गेश से, उसके बाद आपको सभी स्टडी मटेरियल आपको वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और हमारे यहाँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। हमारे यहाँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स उपलब्ध है। आप नोट्स के लिए 6306344367 पे कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा। जल्दी इसके बाद हम लोग आगे इसकी अगली कड़ी पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।